हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अगर कोई लैंग्वेज इस प्रकार से गिवन है, ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एन और टी की पावर एम है, तो हम उसकी ट्यूरिंग मशीन किस प्रकार से डिजाइन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस में एन और एम की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। मींस अगर हमने यहाँ पर एन इक्वल टू टी टू लिया और एम इक्वल टू थ्री लिया है, तो ये आपकी स्ट्रिंग फॉर्म हो रही है ए बी बी सी सी डी डी डी। मीन्स ए जो इक्वल है वो किसके होगा, सी के इक्वल होगा, और जो बी है वो इक्वल होगा डी के इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर इसकी कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम फर्स्ट ए को फर्स्ट सी से कंसीडर करेंगे, सेकेंड ए को सेकेंड सी से कंसीडर करेंगे, क्लियर। बी को हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट बी को फर्स्ट डी से रिप्लेस करेंगे, सेकेंड बी को सेकेंड डी से कंसीडर करेंगे और थर्ड बी को थर्ड डी से कंसीडर करेंगे। क्लियर। तो इसकी ट्यूरिंग मशीन किस प्रकार से डिजाइन करते हैं ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका इनिशियल स्टेट आएगा। इनिशियल स्टेट पर हम इनपुट क्या देंगे, ए इनपुट अगर दे रहे हैं तो ए को एक्स से रिप्लेस करेंगे। यहां पर चार वैल्यूज हैं तो हमने क्या कर लिया, ए को डब्ल्यू से कर लिया, सी को एक्स से कर लिया, बी को वाई से कर लिया और डी को जेड से रिप्लेस कर लिया। ठीक है, तो ए अगर आता है तो ए को हम डब्ल्यू से रिप्लेस करेंगे। मूवमेंट क्या करेंगे, राइट मूवमेंट करेंगे, एक न्यू स्टेट पर जाएंगे, दैट इज की वन। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ए और बी को हमें स्किप कराना है। अगर स्किप कराना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर लूप लगा देंगे, ए को ए से रिप्लेस करेंगे, मोमेंट क्या करेंगे, राइट, बी को बी से रिप्लेस करेंगे, मोमेंट क्या करेंगे, राइट। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपका सी सिंबल आएगा तो हम सी को क्या करेंगे, एक न्यू स्टेट फॉर्म करेंगे। ऐसे ही हम न्यू स्टेट फॉर्म करेंगे तो सी आएगा, सी को एक्स से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, राइट, मूवमेंट करेंगे लेफ्ट। लेफ्ट क्यों करेंगे, जैसे ही सी पर आएगा मूवमेंट करेंगे लेफ्ट, क्योंकि फर्स्ट ए की करेस्पॉन्डेंस फर्स्ट सी फाइंड आउट होगा और फर्स्ट सी के करेस्पॉन्डेंस हमें क्या करना है, को लेफ्ट जाकर के नेक्स्ट ए फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट और ए किसमें कन्वर्ट हो गया, डब्ल्यू में, सी किसमें कन्वर्ट हो गया, एक्स में। क्लियर। लेकिन जैसे हम लेफ्ट आएंगे तो आपको कौन सा सिंबल फाइंड आउट होगा, आपको ए फाइंड आउट होगा, ए को ए से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट कर देंगे लेफ्ट, बी आएगा, बी को बी से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या कर देंगे, लेफ्ट। क्लियर। और जब अदर ट्रांजिशन करेंगे तो डब्ल्यू भी आएगा, डब्ल्यू, जैसे ही डब्ल्यू आपका पॉइंटर यहां पर आता है, ध्यान दीजिएगा, हम एक नेक्स्ट स्टेट पर जाएंगे क्यू थ्री पे, डब्ल्यू को डब्ल्यू से रिप्लेस करेंगे, मोमेंट क्या करेंगे, राइट करेंगे। जैसे ही डब्ल्यू आएगा डब्ल्यू को डब्ल्यू से मोमेंट करेंगे, राइट करेंगे, अब कौन सा सिंबल आएगा, ए सिंबल आएगा। मीन्स क्यू थ्री पर अगर ए कंसीडर हो रहा है, अगर ए कंसीडर हो रहा है तो ए को हम डब्ल्यू से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, राइट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा तो सेकेंड ए क्या डब्ल्यू में चेंज हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आपका बी स्किप हो जाएगा, जैसे ही बी स्किप होगा आपको नेक्स्ट सिंबल क्या फाउंड आउट होगा, एक्स। अगर x फाइंड आउट हो रहा है मीन्स x को x से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या कर देंगे, राइट। जैसे राइट करेंगे आपको सिंबल क्या मिलेगा, c, c किसमें रिप्लेस हो जाएगा, x में रिप्लेस हो जाएगा। और जैसे ही x में रिप्लेस हो जाएगा हम मूवमेंट क्या करेंगे, लेफ्ट साइड मूवमेंट करेंगे, मीन्स आपका यहां पर भी जो है x आएगा, x को x से रिप्लेस करेंगे मूवमेंट, जब c को लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड आएंगे, और जैसे लेफ्ट साइड आएंगे आपको क्या मिलेगा, w।
ध्यान दीजिएगा, अगर W के बाद A सिंबल फाइंड आउट हो रहा है तो यही लूप चलेगा आपका, क्लियर। अगर A के बाद B फाइंड, W के बाद B फाइंड आउट हो रहा है, दैट मीन्स अब नेक्स्ट B के करेस्पॉन्डेंस D डिटरमाइन करना है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, न्यू स्टेट फॉर्म कर लेंगे, दैट इज Q4। मीन्स अगर B ही सिंबल आ रहा है, B को Y से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, राइट। B को Y से रिप्लेस करेंगे, हम मूवमेंट क्या करेंगे, राइट। जैसे ही हम राइट मूवमेंट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके कौन कौन से सिंबल आ सकते हैं, यहां पे सिंबल आएगा नंबर ऑफ द B है, तो B को हम B से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, राइट करेंगे। X आएगा, X को X से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, राइट, ठीक। और आपका एक सिंबल आएगा, ध्यान देते हैं, क्योंकि जब डी पर पहुंचेंगे आपका सिंबल, ये एक्स ट्रिपल पी प्लस सी, ये यहां पर छूट गए हैं, डबल एक्स ही होगा, क्योंकि दो टू ए टू सी थ्री ए थ्री बी एंड थ्री डी, क्लियर। तो जैसे ही ये बी को वाई से रिप्लेस करेंगे और B को स्किप करेंगे, X को स्किप करेंगे, तो आपके पास नेक्स्ट जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, D आएगा, दैट इज स्टेट, नेक्स्ट स्टेट फॉर्म कर लेंगे। अगर D सिंबल आता है तो D को हम किससे रिप्लेस करेंगे, Z से रिप्लेस करेंगे, और मूवमेंट क्या करेंगे, लेफ्ट। जैसे ही हम लेफ्ट मूवमेंट करेंगे आपके पास X आएगा और B आएगा, तो हमने यहां पर क्या किया, अगर B आ रहा है तो B को B से रिप्लेस कर देंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, लेफ्ट। X आ रहा है तो X को X से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, लेफ्ट। यहां पर B को हमने Y कर लिया और D को Z कर लिया। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही प्रोसेस और होगा, आपके आपको पॉइंटर कहां आएगा, Y पर आएगा। अगर Y पर कंसीडर हो रहा है तो Y को क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट पर मूवमेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से करते हैं, दैट इज Q6। अगर Y कंसीडर हो रहा है तो Y को Y से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, राइट। जैसे राइट करेंगे आपको B सिंबल फाइंड आउट होगा, और जिस प्रकार से मैंने A और C के लिए डिजाइन किया था, सेम डिजाइन जो है B और D के लिए होगी। मीन्स अगर B कंसीडर हो रहा है तो B को Y से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, राइट। जैसे ही B को हम Y से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट राइट करेंगे, तो B आएगा, X आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब आपका ये सिंबल Z भी कंसीडर होगा, Z को Z से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, राइट करेंगे। जैसे ही राइट करेंगे आपके पास D आएगा, D को Z से रिप्लेस करेंगे, और फिर जब लेफ्ट साइड आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, Z भी सिंबल मिलेगा, Z को Z से रिप्लेस करेंगे, लेफ्ट मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लेफ्ट जैसे ही मूवमेंट करेंगे, आपका पॉइंटर Y पे आएगा, Q6 पे, Y को Y से रिप्लेस करेंगे, नेक्स्ट सिंबल क्या मिलेगा, B। B को हमने Y से रिप्लेस किया, और जैसे ही राइट मूवमेंट करेंगे तो आपके पास कौन कौन से सिंबल्स आएंगे, आपको X फाइंड आउट होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही Y के बाद X अगर फाइंड आउट हो रहा है, Y सिंबल होगा, फिर X आएगा, और ये Z जो है, D जो है, ये Z में कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रोसेस में। क्लियर, जैसे ही Y फाइंड आउट होगा और नेक्स्ट सिंबल अगर X फाइंड आउट हो रहा है, दैट मीन्स B के रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में D डिटरमाइन होगा। यहां पर क्या था, A के रिस्पेक्ट में सी डिटरमाइन हो गए, ए के रिस्पेक्ट में सी डिटरमाइन हो गए, और यहां पर बी के रिस्पेक्ट में डी डिटरमाइन, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वाई के बाद एक्स फाइंड आउट होगा, एक हम न्यू स्टेट पे जाएंगे, दैट इज क्यू सेवन। अगर आपको एक्स फाइंड आउट हो रहा है तो एक्स को एक्स से रिप्लेस करेंगे,
अब मोमेंट क्या करेंगे राइट, जैसे ही हम राइट मोमेंट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास एक्स भी आ सकते हैं और जेड भी आ सकते हैं। एक्स को एक्स से रिप्लेस करेंगे मोमेंट क्या करेंगे राइट, वाई जेड आता है तो जेड को जेड से रिप्लेस करेंगे मोमेंट क्या करेंगे राइट। क्लियर, आप क्या करेंगे जैसे ही आपका सिंबल यहां पर पहुंच जाएगा बी पर आएगा, जैसे ही बी पर सिंबल आपका रीच करेगा हम कहां पर पहुंच जाएंगे क्यू एफ स्टेप पर। मीन्स बी को बी से रिप्लेस करेंगे मोमेंट क्या करेंगे लेफ्ट, राइट भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो आपका ब्लैंक इनपुट यहां पर ओवर हो जा चुका है और ये आपकी क्या हो जाएगी फाइनल स्टेप। ठीक है, किसी भी जब ट्यूरिंग मशीन की डिजाइन करते हैं तो ट्रांजिशन फंक्शन जरूर लिखते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन किस फॉर्म में लिखते हैं ये बता दे रहा हूं और रेस्ट जो है ट्रांजिशन फंक्शन आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट क्यू नॉट है, क्यू नॉट पर अगर हम ए इनपुट दे रहे हैं दैट मीन्स इनपुट यहां पर इनपुट मेंशन कर सकते हैं, ए इनपुट अगर दे रहे हैं तो स्टेट क्या होगी आपकी क्यू वन और जो रिप्लेसमेंट सिंबल क्या है दैट इज द डब्ल्यू और मोमेंट क्या है राइट, इस प्रकार से भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर, इस प्रकार से आप कई लैंग्वेज की ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू।